આંખે જોયું છે કે હાજર ઇમામ અને સુલતાનનો નશા, હાજર ઇમામ પોતાના બેડરૂમની અંદર બે હાથ પાછળ રાખીને કલાકો સુધી આંટા મારતા અને તમારા માટે વિચારતા અને લીડરો સાથે ફોન પર વાત કરતા, એટલી તમારી ચિંતા હાજર ઇમામ મારા પિતાશ્રી રાખે છે. યહી બાત શાહ કરીમ હાજર ઇમામ, યહી બાત શાહ કરીમ હાજર ઇમામ. તો મકસદ કહેને કા, મેરા મકસદ ક્યા હે કહેને કા, કે યે 49 બરસ ઓર 72 બરસ સુલતાન મુશા ઇમામ કા એક જ હેતુ, એક જ એમ કે મારી જમાત ખુશ રહે, સુખી રહે, આબાદ રહે. ઠીક હે? હવે આપણે હમ 49 બરસ મેં ક્યા કિયે ઓર ક્યા દિયે ઇમામ કો, સુલતાન મુશા કી બાત બાત મેં રખી, હાજર ઇમામ કી બાત. गोल्डन जुबिली आ रही है, ठीक है, कि पिछले 49 बरस में हम लोगों ने इंडो पाक की जमात ने इमाम को क्या दिए. तो मैं हाथ जोड़ के माफी के साथ एक वाक्य बोलता कि हम इंडो पाक की जमात ने 49 बरस के अंदर हाजर इमाम को दुख दिए, तकलीफें दी है, मुश्किलियां दी है, परेशानियां दी है, उसको प्रॉब्लम्स दिए हैं. हम खोजा मुमना ये पीर की बोधेली जमात, उसको सुख नहीं दिया, उसको खुशियां नहीं दी है. हां, बहुत टाइम वो आते हैं हमारे बीच में, हंसता मुंह रखते हैं, दुआशीष देते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, लेकिन उसके अंतर के अंदर उतर के देखो और उसका अंतर के अंदर उतरने का थर्मोमीटर है, फरमान निकाल के पढ़ो, हाजर ईमान के फरमान निकाल के पढ़ो 57 से लेकर के अभी तक, तो आपको वो दुख दिखेगा. अब किस तरीके से हम हाजर ईमान को तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, परेशानियां देते हैं. चलो एक व्यक्ति का नाम देता हूं, यहां से बहुत लोग पहचान देंगे, मोहम्मद मुफ्ती पहचान गुजर गए, वारस हाशम जवेरी चर्चगेट पे रहते, यानी रोज सिनेमा की लाइन में रज्जब माल है नवा, और इसके बापा, इसके पिताश्री दरखाना के, बंबई दरखाना के कामड़िया, और चीफ वजीर का टाइटल था उनको. उसका बेटा, उसका छोटा बेटा, उसका बड़ा बेटा इतमादी हुसैन अली जवेरी और छोटा बेटा वजीर वारस हाशम जवेरी. छेले छेले वो बीमार थे कुछ बरस, यानी जमात खाने आना भी स्टॉप कर दिया, बहुत मजदूर हो गए, और मैं उनके पास बहुत जाता था. मैं, मेरे साथ मेरे दोस्त सांता क्रूज के मुखी, और एक जो गुजर गए अकबर भाई जरी वाला आंध्रा में देखे, हम लोग तीनों जने जाते थे. क्यों जाते थे पता है? मैं क्यों जाता था? मेरे बिजनेस के लिए. मेरा बिजनेस का है, कहा मुफ्ती साहब दुआ मांगेंगे जाऊंगा, तो बोला तुम्हारा धंधा रोजी रोजगार वरकत आते, तो मेरा धंधा ये है इल्म बांटना, इल्म को बांटना, ये मेरा बिजनेस है. इसमें वधारा होना चाहिए ना, तो नई नई बातें जानने, क्योंकि इन्होंने सुल्तान मोहम्मद शाह के साथ बहुत टाइम गुजारा और कुछ बरस हाजर इमाम के साथ भी गुजारा, और ये लोग सुल्तान मोहम्मद शाह के टाइम में इस्माइली बने, अपने बाप दादा के जैसा नहीं, 500 बरस पहला, 600 बरस पहला, अभी ये जमाने. इसके दादा, उसकी आपकी हिस्ट्री है मेरे पास, उसके दादा सूरत के अंदर गोविंद भाई, उसकी बात अभी नहीं करनी है. उसका दादा बना, फिर चीफ वजीर कासम अली बने, जिसका नाम छबील दास था, छबील दास कामड़िया, और फिर ये वारस हाशम ने सब बनते गए, इसमें सबको बैयत कराया. ये वारस हाशम, एक दिन मैंने कुछ इमामत के बारे में सवाल किया,
पुरानी पुरानी बातें मैं निकालता था उसके पास से, तो मुझे कहते हैं कि सुरती लैंग्वेज में, उसकी गुजरात में सुरती टाइप की थी, मुझे कहते हैं मिशनरी हाजिर इमाम जाने जाहिर थे ने दुनिया पर प्रगट थे ने, त्यारे मने एवं लागे छे, अभी मने एवं लागे छे, ये सेंटेंस को मैं कैसे लेता हूं, ये व्यक्ति इबादती था। दो टाइम हाजिर इमाम के हुजूर में बैतुल ख्याल में हाजिर इमाम ने सवाल किया, नूर किसने देखा है, किसने दो टाइम हाथ किया। और सुल्तान मूसा के टाइम में भी सुल्तान मूसा ने पूछा नूर किसने, और दूसरे भी थे मगर इसने भी हाथ किया। अब ये नूर देखे भी व्यक्तियां, इसको ज्ञान में क्या कहा है पता है, तत्व ज्ञानी प्रणय लोकमान। तत्व ज्ञानी यानी जो मजहब के तत्व को, फिलोसॉफी को, एसेंस को पकड़ लिया हो, समझ लिया हो, इसको कहते हैं तत्व ज्ञानी। तत्व ज्ञानी प्रण लोकमान, तेने समझे कोई संत, तेनी दृष्टि सगड़े परे अने तेनी आंखों छे अनंत। वो भूतकाल भी देख सकता है, वो भविष्यकाल भी देख सकता है और वर्तमान काल तो है ही। कहते हैं मने एवं लागे छे, मने एवं देखाय छे, हाजिर इमाम जारे जाहिर थशे ने त्यारे आपणामांथी घणा जणा हाजिर इमाम ने छोड़ी दीधा छे। મેં કીધું ઘણા જણા એટલે બોલે મેજોરિટી, મેજોરિટી મેરે મુંહ મેં થોડા નીકળ કે શું કયો છો વારસ સાહેબ કે હા 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 એક મિનિટ ગેરસમજ નહીં કરતા, છોડી દેશે એટલે ધર્મમાંથી નહીં નીકળી જાય, ધર્મમાંથી નહીં નીકળી જાય શુકર, તો પછી કેવી રીતે મેજોરિટી वो भी बोले इंडो पाक का इस्माइली पीरदा मोहेला, मेजोरिटी इस्माइली मिशनरी पोतानी मर्जी प्रमाणे चालता थशे। आ निशानी इमाम ने छोड़वानी, अने जारे एमा सुधारो नहीं लावे अने पोताने अंदर परिवर्तन नहीं लावे तो एक टाइम एवो आवशे के साव हाजर इमाम ने मुकी देशे, ते धरम माथी निकली जशे। એની નિશાની આ રીતે શરૂ થશે જબ સે, એ બહુ બરસ પહેલે કી બાત હૈ, વો ગુજર ગયે ઉસકો ભી 5-7 બરસ હુએ, ઓર જબ સે વારસ સાહેબ ને બોલા ને તો મેને વો દ્રષ્ટિ સે દેખના શરૂ કિયા, ફરમાન વો દ્રષ્ટિ સે પઢના શરૂ કિયા, જમાતો મેં ફિરતા થા ઓર એક એક બાત સામને આ લગી કે બરાબર છે, આ ઇન્ડો પાક ની મેજોરિટી જમાત પોતાની મરજી પ્રમાણે ચાલતી થઈ છે, खुद की मर्जी प्रमाणे चलते नहीं चलते, हमारी मर्जी प्रमाणे जिंदा रहो, अपनी मर्जी प्रमाणे नहीं चलता है। जयरे तमे मारी बैयत में हो छो, मॉड्यूल की कैसेट में भी यह फरमान ने दिया, जयरे तमे मारी बैयत में हो छो त्यारे तमे एक कॉल करो छो, एक करार करो छो, અને એ કોલ એ કે જિંદગીના છેલ્લા દમ સુધી મારા ફરમાનથી બહાર નહીં જાઓ, પહેલા કોલ, જ્યારે તમે મારી બૈયતમાં આવો છો તો અમે તમારા સર મુખત્યાર થયા, હેડ થયા, અને જ્યારે અમે તમારા સર મુખત્યાર થયા તો યાદ રાખજો તમારી ઈચ્છા તમારી ઈચ્છા નથી રહેતી, તમારી ઈચ્છા મારી ઈચ્છા થઈ જાય છે, મારી બૈયતમાં આવ્યા પછી તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે ક્યારે નહીં ચાલ્યો, અગર મારી બૈયતમાં આવ્યા પછી તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલવું હોય તો પીરી મુરીદીનો અર્થ શું, વારસ સાહેબને કહા કે આપની ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલશું, આપની મરજી પ્રમાણે ચાલશું, સુબા જમાત ખાને આને કા ફરમાન હૈ છે કે નથી, ફરમાન છે ને ભાઈ, હાજરીમાં કીધું છે એક તાળે આવજો સવાર તો માપશે, જેને આવવું હોય આવે નહી ને, બેતુલ ખ્યાલ વાળી જીતને બેઠે યાર મેરે સાથ મેં
અને ગોલ લીધેલા, બેતુલ ખ્યાલના મેમ્બરો અને ગોલ લીધેલા સ્પેશિયલી, અને જેને ગોલ નથી લીધા એ લોકો 5 વાગે ફરમાન થયા આને કા બંદગી કરને કા આપે નહીં ના, શા માટે? આપની ઈચ્છા પ્રમાણે. હા, આજે ટાઈમ છે, ચાલો આજે જઈએ. આજે નહીં નહીં, રાતના બહુ લેટ સુતા, સિરિયલો જોતા હતા ને, બહુ લેટ સુતા, જવા દો. સવારે દુઆ નહીં પડી, જમાત ખાને નહોતા આવ્યા, પણ દુઆ પડવાનું યાદ નહીં આવ્યું કે દુઆ પડવી ફરજિયાત છે, ફરમાન છે. ફરમાન 78 મેં આખે ઇન્ડિયા મેં ફરમાય, આખે ઇન્ડિયા મેં 3 ટાઈમની દુઆ દુનિયામાં કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ મારા મુરીદ રહેતા હોય એનામાં કમ્પલસરી 3 ટાઈમની દુઆ. સુબા મોરચા નહીં આવ્યા કે આજ આજે નહોતા આવ્યા. દુઆ કેટલાય કરી, સવારની દુઆ બોલ લીધેલા પાઠ પર ને સામે, 4 વાગે નહોતા આવ્યા. બંદગી કેટલાય કરી ઘરમાં ઉઠીને, ફરમાન હે, ફરમાન હે ના, તો એ આયા ના, એ દુઃખ દે ને, ઉસકો તકલીફ દે ને, ઉસકો હેરાન કર્યા ને એને. અને મૌલાને ફરમાયા કે જયારે અમે સાંભળીએ છીએ કે મારા રૂહાની બચ્ચાઓ જમાત ખાનાની હાજરીમાં બરાબર નથી, એ સાંભળીને મને જેટલી વેદના થાય છે એટલી વેદના બીજી કોઈ વસ્તુ નથી. અને જયારે અમે સાંભળીએ છીએ કે મારી જવાન જમાત ખાનાની હાજરીમાં બરાબર છે, એ સાંભળીને જેટલી ખુશી થાય છે એટલી ખુશી અમને બીજી કોઈ વસ્તુ નથી. તારીખ આપણી મરજી પ્રમાણે સાંભળી, ખાલી ઇન્ડિયા નહીં, અરે ખુશી કે સમાચાર સુનો, ખુશી કે સમાચાર, ઇન્ડિયા ઇન્ડિયાના ખુશીના સમાચાર. હાજર ઇમામ કી હૈદરાબાદ કી પધરામણી કે બાદ ઇન્ડિયા કે સુબહ કે ઓર શામ કે જમાત ખાને કી હાજરી ઘટ ગઈ હૈ, ઘટી ગઈ છે. કોને કીધું? 15 દિવસ પહેલા ઓલ ઇન્ડિયા તરીકા બોર્ડ ચેરમેનોની મીટિંગ થઈ હતી, અને ઓલ ઇન્ડિયા તરીકા બોર્ડના ચેરમેને પોતપોતાની ડિસ્ટ્રિક્ટનો રિપોર્ટ આપ્યો, અને એ રિપોર્ટની નિચોડ એ આવ્યો કે પધરામણી પછી, હૈદરાબાદની પધરામણી પછી સાંજની અને સવારની હાજરી ઘટી ગઈ. એટલે ખુશી કે સમાચાર હે ને. ચાલો હું તમને પૂછું, કૌસામાં ક્યાં પરિવર્તન આવ્યા દીદાર કરને કે બાદ, તમારી હાજરી કે અંદર શું પરિવર્તન આવ્યું, ક્યાં ક્યાં તબદીલી આવી? જેન્ટ્સ બેઠે હૈ, માફી માંગુ છું કે ગુટકા ખાતા હો, માણેકચંદ ખાતા હો, સિગરેટ પીતા હો, કદાચ કોઈ શરાબ ભી પીતા હોય, કિસને કિસને નક્કી ક્યાં કે આદરીમાં તારા દીદાર કર્યા પછી ગોલ્ડન જુબીલી આવે છે? હું પણ લઉં છું, નક્કી કરું છું, હું સિગરેટ છોડીશ, માણેકચંદ છોડીશ, ગુટકા છોડીશ, શરાબ છોડીશ. છો કિતને લોકોને નક્કી ક્યા કે આ હાજરીમાં તારા દીદાર કર્યા છે? ઓછામાં ઓછું આ 7 મહિના અને એના પછી 1 વર્ષ રાતના વહેલો સુઈ જવાની કોશિશ કરી, સિરિયલ અધૂરી રહી ગઈ તો ભલે અધૂરી રહી ગઈ, વાંધો નથી મને, પણ મને તને ગોલ્ડન જ્યુબિલીની ગિફ્ટ આપવી છે. 1962 મુંબાસા શાહ કરીમ હાજરીમાં ક્લબોમાં જવું, પાર્ટીઓમાં જવું, સિનેમાઓ જોવા, અને ઘણા રૂહાની બચ્ચાઓ પોતાના ધંધા બિઝનેસમાં એટલા ઊંડા ઉતરી ગયા છે કે આ બધા કારણોના લીધે પોતાની ઇબાદત અને દુઆનો સમય ચૂકી જાય. ઉસ ટાઈમ પે ટીવી નહીં થા, 62 મેં હા કોઈ ઇતના પોપ્યુલર નહીં થા આફ્રિકામાં, અમેરિકા કેનેડા મેં હોવે તો હોવે, લેકિન સિનેમા બહુ થયો. હાજરીમાં મેં પડ્યા, સિનેમા જોઉં, પાર્ટીઓમાં જોઉં, ક્લબોમાં જોઉં, અને ઘણા રૂહાની બચ્ચા બિઝનેસમાં ઊંડા ઉતરી ગયા છે, જેથી કરીને પોતાની કિંમતી દુઆ ઇબાદતને છોડી દીધી છે. મારા રૂહાની બચ્ચાઓ, આને તમે નહીં, તમારી દુઆ ઇબાદતની નહીં,
ये सदी है ना, 21वीं सदी। मेरे गुरु जी आए थे ना गए दिसंबर में 2005-06 में, अब वो आए थे ना, 10 दिन थे, ज्यादा नहीं थे, मैं अमेरिका में था जब। उन्होंने एक दो वॉयस में बताया, दूसरे भी मेरी गुरु माता जो है यहाँ पर नहीं है, उन्होंने भी बताया कि हाँ 21वीं सदी दुख तकलीफ मुश्किलियों बीमारियों परेशानियों एना थी भरेली है, कुदरती आफतों मैन मेड आफतों माणसों ने उत्पन्न करेली आफतों आना थी आखी सदी भरेली है, और इसके अंदर क्षमा खाना तुमको समा दे, इसके अंदर दुआ और बंदगी तुमको समा दे। मैं एक और बात बताऊं, खाली सुनना नहीं लेकिन आज की नक्की करो कि हाजर इमाम ने आप पूछे गोल्डन रूल, कम से कम ये 7 महीना आती 11 जुलाई तक, पची जोश हुआ फिर देखते हैं। एक हाई प्रोफाइल जमात खाने का हाजर इमाम उद्घाटन करने से 10-12 दिन पहले, हाई प्रोफाइल इतने उच्च कक्षा में जमात खाने, जैसे लंदन के अंदर वैंकूवर के अंदर है, अभी दुबई में बन रहा है, ऐसा एक जमात खाना यूरोप में हाजर इमाम उद्घाटन करने के 10-12 दिन पहले राउंड मार्क में आया, क्योंकि बड़े बड़े गवर्नर को बुलाना था हाजर इमाम अपने काउंसिल के साथ। उसमें एक लेडी मेंबर भी थी, लंदन से आई थी, वो कमेटी के अंदर थी, जमात खाना कमेटी थी, उससे बात की, हाजर इमाम राउंड मारी थी, अच्छा आपको जमात करो, बहुत जबरदस्त काउंसिल हो, प्रेयर हो, आरईसी ना हो, सीनियर सिटीजन ना हो, गार्डन सब ऐसा, नेशनल काउंसिल ना मीटिंग हो, रीजनल काउंसिल ना मीटिंग हो, सब फिरते 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 एक छोटा सा कमरा था, 250-300 बीस सके, जमात तो बहुत बड़ी थी। हाजर इमाम को कहते खुदाविन आप बैतुल ख्याल न हो, अब बैतुल ख्याल न हो, हाजर इमाम अंदर राउंड मारे, और सब जगह हाई प्रोफाइल में बैतुल ख्याल का होल अलग होता है, जब आप ज्यादा हुए तो फिर मेन खाने में बैठे जो दुआ करते हो ना, हाजर इमाम राउंड मार के बाहर आए, बाहर आए और सुनो क्या फरमाते, आ नवी सदी में मैंने बैतुल ख्याल में मारा रूहानी बच्चाओं ने घणु बधु आप्युं छे, जे आवशे ने ए घणा नसीबदार छे, जे आवशे ए घणा नसीबदार छे अने घणु पामशे। मारा रूहानी बच्चाओ ज्यारे मने याद नथी करता ने त्यारे मने घणु दुख थाय छे, जे लोको बैतुल ख्याल में आवे छे એની ઘણી ભૂલચૂકો ગુનાહો માફ થઈ જાય છે, અને છેલ્લે ફરમાતે હૈ જીવો સવારે જમાત ખાને આવશે ને ઇબાદત કરશે ને દુઆ કરશે ને તો દુનિયાના ઘણા કામ તમારા ઊંધા કામ સીધા થઈ જશે, પણ ફીર થોડે ઉદાસ હોગે પણ નથી આવતા ખબર નથી પડતી શા માટે, કમ સે કમ નજરાણા તો આ વસ્તુ આપો, અભી નેશનલ કાઉન્સિલ કા એક પત્ર પડે ગયા ને વર્લ્ડ લીડર ફોરમ કા, निकाल के वापस पढ़ना उसको रिवाइज करना, उसमें लिखने में आया है कि नजराना ने अंदर केश इतने जो उखाड़ा देंगे, उपरांत तुम्हारा समय नु नजराना, तुम्हारा समय नु अने तुम्हारा ज्ञान नु तुम्हारा नॉलेज, वो समझ के तो
वो समझते थे। अब चले जो जॉब करते हैं, मेरे को मालूम है पपई जाते हैं, जीसीबी में काम करते हैं, कोई दुकान में काम करते, थक जाते हैं ना। तुमने कह रहे रजा हुए नहीं, कह रहे छुट्टी हुई, क्या रहे रात को बहुत थके दे नहीं हो तो आओ। लेकिन जो सुखी लोग हैं, सुखी क्या जवाब देंगे, क्या जवाब। और सामने रहते हैं अतौर बिल्डिंग में, कितना 200-250 से क्या बोलेंगे, खुदा घर बहुत दूर है तो क्या बोलेंगे, खुदा थर्ड टाइम खावा लो बराबर नतू मर तू ये बोलेंगे, खुदा कहीं मनोरंजन न तू ये बोलेंगे। हाँ समझो, तो पहला दुख ये देते, पहला दुख ईमान को पहला दुख ये देते कि जवाब खाने की हाजिरी कट गई। अमेरिका में दिया, अमेरिका कनाडा अफ्रीका, हाँ किधर किधर थोड़ी थोड़ी हरियाली दिखे ने, थोड़ी थोड़ी लीलोतरी हुई ना, दुकान नहीं अंदर तुम्हें जोशो ऐसा कहाँ कहाँ है। नैरोबी में एक जमात खाने में है, बम्बई में जोगेश्वरी में सुबह हाजिरी दिखेगी, अमेरिका में HPC में है, बाकी शुगरलैंड और दूसरा जमात खाना खाली पर। बल्कि गए बरस में गया था, मेरे को वायस की टूर मिली तो चेयरमैन का फोन आया, ऋषि साहब तुम्हारा प्रोग्राम एक अठवाड़ी लेट करिए तो मैंने कैम देखे, बोला मुश्किल आसान सानना सताना पड़े छे ने, तो बरस में दो सताड़े हाजरी मानती है मुश्किल आसान शाम के, तो छे ने आगलू अठवाड़ियु जमात आराम करते पीछे सात दिवस आवु छे ने शांति आखी जैसे। तो बिचारा आपने तरीके से बोला, उसको बोलने में आया होगा कि बाबा आप तुम्हें हमें क्या बोला, उसको हाजरी नहीं मरे, ये हालत आपने क्या बड़ा उठे सताड़े, चार में से तीन हो गए वो जवाब का नहीं, जवाब की बहुत प्रॉब्लम खाई थी, बच्चाओं ने एग्जाम हो चुका है अपने भी आ जाना, नुकसान कितना उठा रहे नहीं करता बच्चे को के भणतर में बराबर दिया, एग्जाम हो गए तो टाड़ा के नहीं आना जमात खाने, नहीं नहीं चलो जाऊ छे मिश्री साहब की दूसरी पहले एग्जाम नहीं, पहले यू फर्स्ट स्टडी, सुबह जब स्टडी एग्जाम में जाने के पहले आओ सीजदा दो, बोला से दुआ मांगो, गिरिया जरी करो, आदेश पापियो दुआ पढ़ लो और फिर जाओ, ठीक है। तो पहली खुशी ये देखे हाजरी मांग को, उसने अपनी जिंदगी दे दी, उसने अपनी जिंदगी दे दी, वारा शासन दूसरी बात बोलते मेरे को, मिशनरी जा रहे हो हमारा हीरे का बिजनेस करते थे, अभी उसके बच्चे लोग करते हैं, मारा हीरा ना बिजनेस पटे टूर करूँ मैं दुनिया ने, जहाँ जहाँ हीरा मरता हूँ, अरे पची पेरिस आऊँ तो हाजरी मांग ने मरू, तो शेठ रजा आपे क्यारे ना हो पाए, शेठ बोलते थे अली बापा को प्यार में, तो एक वक्त के शेठ पास गयो, मेहमानी राखी फेमिली तरफ थी जमात तरफ थी, पची शेठे मैंने एक सवाल करो, तू रोज सवारी जाए छे बैतुल ख्याल में, तारी दुआ की कोशिश करू, मैंने खबर अरे ऊपर बात मैंने खबर मेरे को पता है, अच्छा मुझे ये तो बता तो सब जगह जाता है नहीं, वर्ल्ड टूर पे जाता है विश्व की टूर के ऊपर, तो सब जगह जमात खा जाता है, हाँ जिधर भी जिधर जमात खाना हो गए और मैं जाऊँ मैं सुबह जाता, क्या हालत है जमात खाने की हालत क्या है। तो वारा साहब कहते हैं मिशेल ही हूँ रड़ी पड़ी होना होना लगती सारी पाँच वागे पाँच वागे थोड़ी सारी चलो, मुझे वारा साहब कहते हैं मिशेल ही बोला ना हाजरी माँ आशन मारा दादाए आखी जिंदगी आपी दी, मैं मारी आखी जिंदगी आपी दी, मारा बच्चाओं ने जिंदगी आपी दी, तो जमात में जेने पूछे क्या जी कहे जुए छे इमाम आपवा तैयार, हमारी जमात क्या रे समझते कि आपनो तरीको जाहिरी रहती बातों में छे बातों ने कहते नहीं तुम तैयार बातों कहते नहीं।
ये 7 महीने में और 2008 तक जितने सतारे पड़ेंगे तो बेराजर नहीं देगा। मजलस रात 4:45 बजे आओ, गुरुवार रात सोमवार रात, लेकिन दो मजलस रात तो आवो छो, एने छो। बाकी वच्चे घरे उठो, 5 मिनट 10 मिनट दुआ करो, आ सकते तो आओ, सामने है जमात खाना, ठीक है। जाओ दूसरी चीज, इमाम को कहा दुख देते, वारस साहब ने कहा पोतानी इच्छा प्रमाणे चालवा लागशे, ठीक है। पर्सनल अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव छे, इंडियानो अने बारनो, पहले इंडियानी बात करी, 40% जवान, बल्कि 50% जवान कबरों ने मानती थी गई है, बाबा फकीरों को मानने लगी है, साधुओं को मानने लगी है, नासिक वाले पत्थर बाबा को मानने लगी है, दूसरे के दोरे धागे लगाते हैं और जमात खाने भी आते और हसनाबाद की कबर को मानते हैं, गुरुवार को हसनाबाद जाते हैं, पांव रखने की जगह नहीं होती है, और बड़ोदर के अंदर जो कबर है वहां लाडा लाडी को पगे लगाने लेके जाते हैं, है छे? अपनी मर्जी प्रमाणे चाली से, या अली या नूर पलन शाह करीम हाजरी मान, तू गत जमात की मुश्किल आसान कर दे, या अली हाजरी मान, तू जुमला जमात की उम्मीद पूरी कर दे। और अभी दुआ के पहले भाई ने पाठ बोला, बोलिया सैयद मोहम्मद शाह शरण तुम्हारे, तुझे छोड़ी तुझे द्वारे कहां जावे, ये पाठ उल्टा हो गया कि बोलिया सैयद मोहम्मद शाह शरण तुम्हारे, तने छोड़ी ने बधे द्वारे जावे, तने छोड़ी अने बधे द्वारे जावे। अरे हसनाबाद ये है, ये दो गादी है ना, ये मुखी कामड़िया और मुखियाणी, ये हसनाबाद की गादी है, ये हसनाबाद की गादी है, हसनाबाद का नूर यहां पर है, यहां पर जीवती जागती ज्योत है यहां पर। और बाकी सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया, फरमान आपने सुने होंगे नहीं सुने होंगे, लेकिन ये आज का जनरेशन कदाश नहीं सुना होगा, जंगबाद के अंदर फरमाया सुल्तान मोहम्मद शाह ने, ऊपर लिखेला है, जमाते मानतानी बक्षामणी करवा माटे अरज करता सुल्तान मोहम्मद शाहे नीचे प्रमाणे नो फरमान करी, तमे जे बारनी मानताओ करी छे ए अमे तमने हमणा माफ करीए छीए, पण हवे पछी मारू फरमान छे जमात खाना सिवाय क्यायनी पण मानता तमे हवे राखजो ने, जमात खाना सिवाय नी बधी बार नी मानताओ बंद छे, आ मारू फरमान छे, प्रिंटेड छापेला फरमान छापेला। और ये फरमान सुनो, आठ पांच ओगणीसो कराची, जे हमणा फरमान करिए छे बधा कान देने ध्यान थी सांभळो, जे हैदर शाहनी कबर छे त्यां बद्दी थाय छे, त्यां केटलाक जणा जेने मानता करे छे ते बिल्कुल सारू नथी अने घणो गुनानुं काम छे, ते जग्याए पीर पण नथी तेमज पीरनी कबर पण नथी, अगर पीरनी कबर होय तो पण इस्माइली धर्मनी अंदर बिल्कुल रिवाज नथी, पर अगर कब्र हो तो एक बात छे के यादगिरी राखे ते पण नथी, पर इस्माइली तरीका में कबर हो तो पण बिल्कुल वाजब नथी, ए बुत खानो छे, माटे त्या बत्ती नहीं बाळो, आवी तरे तो हजारों कोठीओ हशे, तेमा शो फायदो छे, बिल्कुल नुकसान छे, माटे अमे तमो जमाते मना करिए छे, अमारु फरमान याद राखजो, खाना वदान सलवात करो अल्लाहुमा कले खदा, कितने फरमान।
कितने अजमेर शरीफ जाने लगे अभी, ख्वाजा मोइनुल चिश्ती अच्छे अच्छे इस्माइली सेवाधारी अजमेर शरीफ, जरा व्यापार में तकलीफ होती ने, शामे जरा बीमारी आई ने, शामे जरा प्रॉब्लम थी गयो ने, यूज योर इंटेलेक्ट। हॉस्पिटल बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च थे हाजरीमान, करोड़ों, और आगा खान हॉस्पिटल कराची में पाया डाला ना बरसों पहले, तो हाजरीमान ने फरमाया कि 20 वर्ष पछी जो नवी नवी बीमारी निकल से ने इन इलाज पर मारी हॉस्पिटल में हो भी आधुनिक हूँ बनावा मांग, तो हॉस्पिटल क्यों बना मोड़ा बोलता ने आओ मेहमानी अंदर आए, खुदाइन आ तकलीफ है जाओ आ दरगाह पर जाओ, खुदाइन आ तकलीफ है जाओ आ बाबा पास जाओ, खुदाइन आ तकलीफ है जाओ आ साधु पास जाओ, ये दागवा बोलता ना बोला समझो, ये सब निशानी क्या है। आशा जी दसों देवे ने सिदके रहे वे, हेरान न होशे सोई जी, मार्ग छोड़ने ते कभी नहीं जावे, तेरे शेषा पीर ने पास। दसों देवे કેટલી દસો, 12.5%, આઠમો ભાગ, સોળમો ભાગ નહીં, આઠમો ભાગ, 12.5%, દસો દેવે ને સિદ્ધકે રહેવે એ હેરાન ન હોશે ક્યારે, માર્ગ છોડીને કભી નહીં જાવે, તે રહેશે શાફીરને પાસ। હાજરીમાં ક્યો તીન ટાઈમ ફરમાય, અભી 2005 ફરમાય, ડોન્ટ વોન્ડર, બી સ્ટ્રોંગ ઓન ધી પાથ ઓફ સિરાતલ મુસ્તકીમ, only this path which is better for you, मजबूत रहो, डावाडोल न थाओ, आज रस्तो छे जे तमारा माटे सारो छे, आज रस्तो छे, अरे रस्ता छोड़ के नहीं, अरे ये पावर कैसा है पता है, मैं बताऊं आपको, मुखी काम देखी गाड़ी का, बांद्रा बाजार, बाजार का जमा थाना है ना, युवान को छोड़ देने वाला वह उत्तन वाला मुखी, जिसका पहला नाम भूल गया, उत्तन वाला मुखी, और एक लेडी मेरी मुंह बोली बहन गुलशेखर भाई, ऑनररी वाइस जिन थी, बांद्रा में रहती थी, उसके मरण का भी मेरी कैसेट में आया, अफ्रीका की कैसेट में, वो मरी कैसे, वो कैंसर हो गया था, उसकी शादी हुई गुलशेखर भाई, शादी हुई 2-3-4 बरस तक औलाद नहीं हुई, 5वें बरस औलाद हुई, बच्चा हुआ, लेकिन बच्चा 1 महीने का अभी नहीं हुआ और मर गया, लांबे गाड़े बच्चा हुआ और वो भी पैदा हुआ 1 महीने का भी तो नहीं हुआ और मर गया, और वो बिचारी इतना दुख हुआ उसको, दफन विधि कर लिए, सब कर लिए, शाम को आए ज्यारत थी, जो बच्चे थी कि मुखी साहब के पास छाता जलाने आए, गुलशेखर भाई उसके हस्बैंड, मुखी साहब ने छाता डाला, समझ लिया, समझ लिया, तो इसी रो पड़ी बच्चे के जैसा, छोटा बच्चा रोए ना, सहन नहीं हुआ कि शाम हटे आदरी माने आम करू न आप ने आप तो आ रीते ले दीदू लो, अरे दुख था, मोमन शख्सी अलवा ऐसा था। अब मुखी साहब से ने रिहा नहीं किया, मुखी भी ऐसे थे, अभी भी है बहुत, मुखी साहब से रिहा नहीं किया, मुखी ने कहा गुलशेखर नहीं रो, दिल नानू नहीं कर, जो वो मुखी तने कहूँ छो तने मौला बीजी औलाद आप, हूँ गादी पर बेसी दे कहूँ छो तने ट्विन्स आपसे, बेलोड़ो आपसे, मौला मारी दुआ कर दी, अब वो मुखी की भक्ति कैसी रही, ठीक है। 1 बरस 2 बरस दूसरे बरस ये भाई प्रेग्नेंट हुई और उसको बच्चा आया, ट्विंस, 2 छोकरे आए, और वो 2 छोकरे को आप पहचानते हैं, लगान फिल्म देखे ना, लगान फिल्म, उसमें जो ढोल बजाता है ना बागा, वो एक छोकरा है इसका, अमीन हाजी, अभी दोनों भाई आ रहे हैं अकबर जोधा फिल्म के अंदर,
लेकिन शूटिंग पे नहीं होते थे, यहाँ बाजार अपने युवान जमात खाने में आते थे, तो ये मेरे को मिलते गले लगते हैं। ये मुखी का पावर, नहीं बोलता कभी बजाओ ना, लेकिन समझो इमाम ने जो अथॉरिटी दी है तुम्हारा सब है ना, बख्शा दो मुफ्ती साहब, भूल चुप थे कि आदियो हमें नारियल रखू तो अहिया रख, हमें नारियल रखू तो अहिया रख, सवा रुपया रखू तो अहिया रख, तस्वीर काढ़ो तो जमात खाना में काढ़। अरे आगा अली शाह राता ने फरमाया, सवारे जमात खाना में आओ, गटपाट उठाता पछी बे तस्बी सौ दाणा ने शुरुआत निकाटो, सीजदा में जाइने मांगो, इंशाल्लाह खुदा तमारी उम्मीद पूरी कर, तमारी जे प्रॉब्लम तमारी उम्मीद खुदा पूरी कर। फरमाए है मौला जी, फरमाए ठीक है। और बहुत टाइम है ना, अभी तो टाइम नहीं है, वापस मैं कभी आऊँगा। अपने गुनाहों की वजह से मुश्किल है, घड़े वक्त गणा शू के खबर से पछा सलाह आपवा वाला भी आवा ने कि कल जुग में एवं जीव पैदा थे जो पोते तो डूब से पर बीजा ने डूबाड़ से अब्बा, जे तो अर्थना अनंत कर खेराव से जे अपना सतगुरु वचन उठाव से तेरी बात बोले आ तमो धंधो नहीं चालतो, तमारी रोजी कोई है बांधी दीधी है तो हमें शू करव, थोड़ा सैयद साहब से चालो यनी पास जाओ रोजी खोले। अरे रोजी कोई बांधे, अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर छे कोई मारा सिवाय जे तमारी रोजी ने कोड़ी करी आपे, ने छे कोई मारा सिवाय जे तमारी रोजी ने बंद करी दे, मारा सिवाय बीजो कोई नहीं। ये हमारे गुनाह है और इस गुनाह के लिए रोज एक तस्बीह निकालो, अस्तगफरुल्लाह रब्बी व अतुबु, सोने के पहले निकालो, जमा थाने में निकालो, सो दाणे की गुनाह की माफी की तस्बीह, खुदावीन जाणिया अजाणिया कहीं पर थी गया हो गुना की माफी ने तस्वीर काढ़ू छू, हस्तक अप्रोल्ला से रबी वाद नहीं अपने जवाब ठीक है। तो ये दुख थाय, आ मौला ने दुख थाय जयरे ये जुए थे सांभे मौला के पास सब रिपोर्ट जाता है कि जवाब की परिस्थिति शू है, ईमान की परिस्थिति शू है, इतने तो फरमान किया बी स्ट्रॉन्ग ऑन दी पाथ ऑफ सिरातल मुस्तकीम, मजबूत रहो ठीक है। तीसरी चीज मौलाना शाह करीम हाजरी मां 20 बरस के बाद, 20 बरस के बाद एक फरमान हाजर इमाम ने वापस रिपीट किया, 27 अक्टूबर 2000 फाइल आ गई है पाकिस्तान ने फरमान, यही फरमान 20 बरस पहले सुल्तान मोहम्मद शाह ने पाकिस्तान कराची में फरमाया, आवुज फरमान, थोड़ा शब्दों आगे पाछड़ हो। और मैंने सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान पढ़ा और ये पढ़ा, मेरे को इतना दुख हुआ, या हजर इमाम अजी भी जमात नहीं समझती है, 21वीं सदी एजुकेशन बढ़ गया, भणतर वधी गयो, आईक्यू वधी गयो छे, आपणो पहला करता वधारे इंटेलिजेंट थई गया छे, छता भी हजर इमाम तेरे को यह फरमान फरमाना पड़ता है, आज की सदी के अंदर क्या फरमाया, 20 बरस के बाद क्या रिपीट किया, सुनो ये चीजें हर जगह पर है, मैं बोलता हूं फरमान के बाद, अफ्रीका में है, कनाडा में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में, मारा वहाला रूहानी बच्चा जे जमातो अहीं आवेली छे ए जुदा जुदा देश माथी आवी छे, जुदी जुदी भाषाओ बोले छे, पण याद राखो, मेहरबानी करीने याद राखो, बट रिमेम्बर, प्लीज रिमेम्बर देट यू आर वन जमात। अभी अभी तुमको इसमें दुख दिखता है, हाजर इमाम ने अंदर वेदना देखा है बेदे वक्त, प्लीज रिमेंबर, हाजर इमाम को प्लीज बोलना पड़े, मेहरबानी कर दे प्लीज जमात को, बट रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर दैट यू आर वन जमात, के तमो एक जमात छो, एक हाजर इमाम ने मानो छो, अने एना माटे आपस आपस में लड़ाई झगड़ा न करो, डो नॉट फाइट, खास करीने जे तमे जुदी जुदी जगह थी आया छो, अमो नथी चाहता कि मारा रूहानी बच्चाओ अंदर अंदर लड़ता रहे, अमे नथी चाहता कि कुटुंबोनी अंदर भागला पड़ी जाए, अमो नथी चाहता कि समाज कॉम्युनिटी एक बीजाना मतभेदना कारणे बिखराई जाए,
एक बीजा मतभेद कारण विखराई जाए, कुटुंब में भागड़ा पड़ी जाए। मारू आ फरमान याद रखो, खाना बदा अमने घनी वेदना थाय। आज है आज चलता है सर। कैनेडा में देखो, अफ्रीका वाले का ग्रुप अलग, बंबई वाले का ग्रुप अलग, पाकिस्तान वाले का ग्रुप अलग, एक दूसरे में मिक्स नहीं होता। हाँ ऐसा हुए तो सब अपने अपने ग्रुप बना के बैठे हैं। अमेरिका में तो आग से देखे, कैनेडा में भी आग से देखे, पाकिस्तान में सिंधी लोग का ग्रुप अलग, काठियावाड़ी का ग्रुप अलग, कच्छी का ग्रुप, बांग्लादेश से आए उसका ग्रुप अलग। यहाँ देखो खोजा और मुन्ना लड़ते है, न हिंदू निकलिया न मुसलमान निकलिया। कोई गुजराती कवि लिखा है, न हिंदू निकलिया न मुसलमान निकलिया, कबरों खोली ने जोयो तो बधा इंसान निकलिया। न खोजा निकलिया न मुमना निकलिया, न अफ्रीका वाला निकलिया न पाकिस्तान वाला निकलिया, अरे कबर खोली ने जोयो तो बधा हाजरी मामला रूहानी बच्चा निकलिया। माय बिलव्ड स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, मौला को दुख नहीं होता है। ये ऐसा मतभेद में मन भेद रखते हैं, नात जात का, जात पात का। ये हमारे अंदर क्या है, ये शरीर सिद्धपुर में पैदा हुआ है कि चित्रावड़ के गिर में पैदा हुआ है, शरीर के पाकिस्तान में पैदा हुआ है, मगर आत्मा कहां से आया है? ये शरीर के अंदर, ये बाटली के अंदर आत्मा किधर से आया है? इसके नूर में से ने बतावा, एक अच्छे ने आत्मा शाह करी माधुरी मां, इतने फरमाता है ने माई बिलोड स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। उसको दुख नहीं होता है। अभी मुझे बताओ कि 49 बरस में हमने कितना सुख दिया है। हाँ लांदीओ घनी खवड़ी से, सुपरा घना खटिया से, दांडियारस घना रमिया से, डेकोरेशन घना करिया से, आ तो बधु तमने पोताने राजी करा माटे करू। माफी मांगता हूं, लेकिन इमाम को नजराना दो, गोल्डन जुबिली का नजराना, जमात खाने की हाजिरी का, यूनिटी का, श्रद्धा के अंदर कस सही ने कसोटी से जो कंजीवड़ा ने दाग न दे, जो जड़ जड़ी सत साजने जे सांदो करीवशा साथे बंधाणो, सो रेण रहे अपार, सो जड़ कभी ना उखड़े, लाखों मिले लुखा, लाखों मिले लुखा। अभी अभी 8 दिन हुआ वो भाई चले गए कैनेडा, वापस चले गए। आती है स्नो पड़ता है तो यहाँ पर आती है, लेकिन अभी इसकी लड़की लेके गए, उसको आँख का प्रॉब्लम हो गया था, बड़ी उम्र थी। जब भी आती है नहीं तो मैं उसको याद दिलाता हूँ, माँ बोली ये बात कच्छी में बात करते हैं, माँ बोली बात याद रखो, दूसरे दो चार जने को बिठा दो सामने सामने। शादी हुई, पहली लड़की हुई, हेलो दूसरी लड़की हुई, हाँ नहीं तीसरी लड़की हुई। तो बहुत देसी कुटुंब के अंदर ऐसा था पहले, आज है कि नहीं पता नहीं। तो छोकरे को बोलती है, आ तारी घरवाड़ी छोकरी और जड़े से, जैसे उसके हाथ में, तो हमें शू कर हुई बाबा फकीर, और इतने चूसते तो भाई, और इतने आगे बढ़े लिए मार्फत में कि मैं वो बोल नहीं सकता। बोले मिशनरी जीव कपाए, जीव आगे अंदर कपाए, तो पराने मारो हस्बैंड ले गया मैं इसके पास, इधर आओ दोरे धागे वाले को है। उसने चैलेंज किया, किसने, बिल्जू बच्चों पे, छोटू बच्चों पे इतना से नहीं, वो कौन से छोकरा उसे जाओ आ ले जाओ। चौथा बच्चा आया छोकरी, वो बच्ची नहीं फिर मर गई, लेकिन इतो तेरे में हाजिर इमाम आए कैनेडा, और ये लोग मेहमान ही लेके उस टाइम पे चार चार जने का लाओ, हस्बैंड वाइफ दो लड़कियों को लेके गए,
हाजरी मांग, मेहमानी के ऊपर हाथ रखे, खाना वादन बच्चे लोग के ऊपर हाथ रखे। अभी कोई अरस करनी नहीं थी तो भाई बोलती है कि हमें आगे वधवा गया बग उपाड़िए तो हाजरी मां में मारो ने मारा धनी नो खंबो आम से छीने नजदीक लिया कम लिया बच्चे लोग को। और भाई बोली कि मेरे को इंग्लिश इतना नहीं आता, अभी भी इसको इतना नहीं आता है, खाली थोड़ा थोड़ा आवे, उस टाइम पे तो जरा भी नहीं आता। बोले हाजरी मां हिंदी के अंदर मेरे को और मेरे धनी को बोलते हैं, आप हमारा घर छोड़ के बाहर गया तो आपको कोई ने लड़का नहीं दिया, बोली मैं क्या करूं, वो मेरी तो हालत जानता था कि मैं कैसा गई थी। फिर उसके धनी को बोलते हैं, वाइफ को ही बोलते हैं, क्यों अपने ईमान को खराब किया, अपने ईमान को संभालो, हम माफ करता है तू, हम माफ करता है। फिर आदमी माफ करना है, देखो दुनिया के दुख तकलीफ मुश्किली ये उठाने की आदत डालो, ये दुनिया है मौलाना, ये दुनिया है, देखो जमात खाने बराबर जाओ, इबादत करो, गिरियाजारी करो, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन कभी हाजिर इमाम को छोड़ के बाहर मत जाओ, हाजिर इमाम को छोड़ के बाहर। शाह करीम की बात बहुत है, इसीलिए सैयद मोहम्मद शाह ने फरमाया, अवर मोरे चेता न आवे, हाजरी मान के उजर में एक बोला गया ना, दूचा मोरे मन न भावे साहेब जी મોડા સે અરજ કરતા કે આ મોડા આ બધા મારા ઉપર તે લાગ્યા છે બહાર, પણ આ બધું ખાટી છાસ થઈ ગઈ છે, હું સીતી સીતી ને કઈ કહીને થાકી ગયો છું પણ કઠણ થઈ ગયા છે। પછી છેલ્લે હાથ જોડતે બોલતે, એક કામ કર, મારા ઉપર લખ્યું છે ને થોડે ધર્મે ઉગાડી દે, હું ઉપાડું તારું ઉપર ઉપાડી દઉં, ત્યારે આ લોકોને હું તારીશ, પણ થોડું ધર્મ કરે ને એનું ઘણું કરીને દેવીશ, પણ થોડા ધર્મ કિતના કરજો, કભી બૈતુલ ખ્યાલ મેં બોલુંગા લેકિન ઇશારા કરતા હું 10 મિનિટ એક ધ્યાનથી બાકી બંદી કરશો ને તો 40 વર્ષની ઇબાદતનું ફળ। जनरल मजलिस युवान हयाती रूहानी जनरल मजलिस 26 जून 2005 संडे बिफोर दुआ वायस 6:15-7। या अल्लाह रे
बराबर दो साल पहले मैंने यहाँ पर हयाती रूहानी मजलिस का दरवाज़ दी थी और उस वक्त मैंने इसी जिनान के कुछ चुने हुए पाठों के ऊपर आपको समझण दी थी और कराची 2000 की विजिट का एक फरमान से मैंने शुरुआत की थी और मैंने अर्ज किया था कि हज़रत इमाम के इस रूहानी के पैगाम को समझने की सोचने की कोशिश करें। आज भी ऐसा ही एक फरमान मौलाना हज़रत इमाम का अभी के ताबेतर की फजरामी का दार ए सलाम और कंपाला का सिंपल गुजराती है और मेरी अर्ज है कि हज़रत इमाम के अभी के जो फरामीन आए हैं और अभी कनाडा के आने वाले हैं उसके अंदर भी हज़रत इमाम ने स्ट्रॉन्गली यही मैसेज दिया है, इसके ऊपर गौर करने की कोशिश करें। दार ए सलाम 19 मार्च 2005। मारा वहाला रूहानी बच्चाओ, जे तमारी आसपास को जगत डेवलप थाय छे, विकास को जाय छे, तमे ए ध्यान में रखो कि तमारे दुनिया माटे दीन ने छोड़ी नहीं देवो जोइए। हज़रत इमाम अभी अंग्रेजी के अंदर भी ये उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि कोई तरीके से भी हम समझे चीज़ों को, तो मौला फरमाते हैं कि तमारे दुनिया माटे दीन ने छोड़ी नहीं देवो जोइए। ध्यान में रखो कि जमाखाना में नियमित हाजरी, दुआ बंदगी ए तमारा रोजिंदा जीवन नो भाग छे। एटला माटे जमाखाना में तमारी हाजरी में नियमित दुआ बंदगी में कॉम्प्रोमाइज बांध छोड़ करो नहीं। ए ध्यान में रखो कि जीवन अनंत नहीं, शारीरिक जीवन पछी तमे अनंत जीवन नी अंदर दाखल थाओ छो। अने अमोए अमारी जमातों ने भूतकाल में फरमायुं छे के स्कूलना बाळकोथी लईने ए लोको के जेवो पोतानी भविष्यनी पेढ़ीओ माटे एनो घरकर करवा माटे सखत मेहनत करे छे, तमारा जीवनना दबाणथी अमे वाकेफगार छीए, पर एनो अर्थ ए नथी थतो के तमे जमातखाना मा नियमित रहवा माटेना समय के इच्छाने तमे छोड़ी दियो। अने ए महत्वनु छे के तमे तमारा धर्मना पालनमा नियमित रहो। तमारा माना मोटा भागना लोको पासे तस्वी होय छे, तमे हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना नाम नु स्मरण करी शको छो, तमे हजरत अली अलैहि वसल्लम ना नाम नु स्मरण करी शको छो, तमे जमाना ना इमाम ना नाम ने याद करी शको छो, तमे सिंपली सरल रीते तमारा धर्म ने याद करीने याद करीने याद करीने याद करीने पालन करी शको, ए याद रखो। अने क्यारे पण तमे भूली जता नहीं। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस, बहुत ही अहम जुमला हज़रत इमाम ने इस बात फरमाया है, मौला फरमाते हैं अगर जो तमे भूली जशो, अगर जो तमे भूली जशो तो आत्माना रूहानियतना
जगत ने तमे छोड़ी दीधेल छे। इफ यू फॉरगेट यू हैव गिवन अवे द वर्ल्ड ऑफ द सोल। रूहानी यत्ना जगत ने छोड़ी दीधेल छे अने तमारी आजूबाजूना भौतिक मटेरियल जगत थी एने संपूर्णपणे तमे बदलावी दीधेल छे अने आ बाबत कबूल करी शकाय एवी नथी। अने आथी अमे अमारा रूहानी बच्चाओने फरमा दिए छे के तमे युवान हो, तमे मिडल एजना हो, मध्यम वयना हो के तमे बुजुर्ग हो, तमे तमारा जीवन में जे कई पण दबाणो होय पण तमारा धर्मना स्मरण ने तमे कदी भूली जता नहीं, तमे कदी भूली जता नहीं। खानावदान 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 सल्लल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। 72 साल अपनी इमामत के सरकार इमाम सुल्तान मशिया हमको ये बात फरमाते हैं 72 साल और 48 साल से मौलाना हाजर इमाम हमें ये बात अभी तो छेले पिछले कुछ वर्षों से और ज्यादा हाजर इमाम एम्फसाइज के साथ हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिलदारो अलवाइस नूरदीन अमलानी ने यहाँ युवान में वाइस किचन हर जगह की और तकरीबन हर जगह ये बात बताई कि हमारे लिए इब्बत ही आ गई। ये इंग्लिश वर्ड इन्होंने यूज किया था कि हमारे अंदर यानी नोट में युवान जमात की बात करता हूँ। जनरल जहाँ भी हम लोग जाते हैं टूर करने को देश परदेश के अंदर और जो जमात की धार्मिक और रूहानी आदत दिखती है तो अलवाइस ने कहा था कि हमारे लिए एपथी आ गई। एपथी यानी हु केयर्स नो केयर। हमें माफ फरमाते हैं लेकिन हम हमारे अंदर बदलाव नहीं लाए। हम जब ही आना होगा जब ही आएंगे जमात खाने, जब ही सुबह बंदी करनी होगी तभी ही करेंगे और हमारे लाइफ का हिस्सा इन चीज़ों को नहीं बनाते। इससे नुकसान है। आज वापस अगले सेकंड में इस कंधे में कहता हूँ हाँ नुकसान है और मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ बातें। खुले दिले दिमाग के साथ विद ओपन माइंड इन हार्ट सुनो समझो और मनन करो और अमल करने की कोशिश करो। देखा हमारे फैमिली में जब किसी की डेथ हो जाती है ना मौत हो जाती है ना फिर जवान हुए भाई हुए भाई हुए तो फौरन एक प्रोसीजर शुरू हो जाता है। क्या प्रोसीजर शुरू हो जाता है? इमीडिएट एक तो रोना आ जाता है और ये कुदरतन है क्योंकि हमारे फैमिली का एक हिस्सा निकल गया। बड़े बुजुर्ग हो गए तो भी कि हमारी फैमिली का एक हिस्सा निकल गया इसलिए आंखें नम हो जाती है, रोना शुरू कर देते हैं और उसके बाद फौरन मुखी कामरिया को इन्फॉर्म करते हैं, सगे वाले को इन्फॉर्म करते हैं, जमात को इन्फॉर्म करते हैं और क्या कहते हैं भाई गया भाई गया भाई गया भाई गया इस्माइल भाई गया शीरिन भाई गए शीरिन भाई गई। अब यहाँ एक ताजुबी है कि हर एक को ये मैसेज दिया जाता है कि आ गया ये गए लेकिन हकीकत में तो वो वहां पर मौजूद है, वो घर में पड़ा है या तो हॉस्पिटल में है या मॉर्ग में है या तो खिदमत कमेटी वाले उठा के और लेके गए हैं कब्रिस्तान। भाई तो वहां पर है, बहन तो वहां पर है लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि भाई गए इस्माइल भाई गए और कंडोलेंस वाले भी आके कहते हैं अरे पापा गए। तो कौन जाता है? तो आप सब कहेंगे कि रे रूह गई उसकी, उसकी आत्मा गई। मगर वो रूह कहाँ गई वो हमें फैमिली वाले को पता नहीं। वो रूह जो हमारी रिश्तेदार की चले गई है जिसम छोड़ के वो कहाँ गई वो हमें पता नहीं है। इसके लिए हम फैमिली वाले जो हैं वो गट
जमात के अंदर जमा होते हैं और जमा होके हम हाजर इमाम के पास गिरियाजारी करते हैं कि या मौला हमको बता रहे हैं कि वो रूह अपने दुनिया के माया के टेम्पटेशन के अट्रैक्शन से इसी दुनिया के अंदर रह गई है या रूहानी दुनिया में चले गई है या हजरीमान तेरे पास आ गई है, हमको बता। और इसके लिए हम कत जमात दुआ मांगते हैं कि या हजरीमान वो कहाँ भी होवे, शायद वो अपनी मोह माया की वजह से इसी दुनिया के अंदर फिरती हुए या रूहानी दुनिया के अंदर होवे, या हाजर इमाम तू उसको अपने पास ले, तू उसको अपने पास ले। लेकिन दीनदारों, बहुत खुश किस्मत ऐसी अरवाहें होती है, ऐसी रूहें होती है जो जिस्म छोड़ने के साथ ही सीधा इलाही नूर के अंदर चली जाए। बहुत खुशकिस्मत ऐसी रूह जो जिस्म छोड़ने के साथ में सीधी चले जाती है, और वो ये अरवाहें होती है जिन्होंने अपने बिजनेस की तरह, अपने बच्चों की देखभाल की तरह, अपने खाने पीने की तरह, अपने दुनिया की हर चीज की तरह दुआ को, इबादत को, बंदगी को, जिक्र फिक्र को, पाक नेक आमाल को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाया है, पार्ट ऑफ लाइफ बनाया है। ऐसी रूहें जब जिस्म छोड़ती है तो सीधी खुदा के नूर की तरफ चले जाती है। और उसका जाना भी कैसा होता है पता है दीदारों? मैं आपको एक नॉन इस्माइली की बात बताऊं। एक जर्मन ने किताब लिखी है, तो जर्मन का नाम है डब्ल्यू सेंडर्स, ओरिजिनल इंग्लिश में लिखी है लेकिन कई लैंग्वेजों में इसका ट्रांसलेशन भी हुआ है, और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, मैं आपके सामने अभी रखूंगा। हाजरी इमाम तो हमको, मैंने कहा कि 48 साल से ये बात बताते हैं और 72 साल तक सुल्तान मोहम्मद शाह हमको ये बताते रहे। देखो क्या लिखता है, तवज्जो देना, ये दुनिया के अंदर सच्चा धर्म गुरु यानी मुर्शिद मौजूद है और वो खुद के शिष्यों को, मुरीदों को सिर्फ दुनिया की गाइडेंस नहीं देता है, लेकिन वो धर्मगुरु अपने शिष्यों के दिलों के अंदर, गुजराती और हिंदी में आया है, नूरानी स्वरूप से डिवाइन फॉर्म में वो बैठते हैं। वो धर्मगुरु अपने मुरीदों के, शिष्यों के दिलों में नूरानी स्वरूप से डिवाइन फॉर्म में बैठते हैं। ये धर्मगुरु खुद के शिष्यों को एक नाम देते हैं जिसे अरबी में इस्मे आजम कहने में आता है और गुजराती में उसको गुरु मंत्र कहने में आता है। और फिर जब शिष्य का यानी मुरीद का किसी भी उम्र में, किसी भी एज में